नमस्कार दोस्तों, आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में चिंता और तनाव एक आम समस्या बन गई है। आजकल चिंता और तनाव से पीड़ित रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है और कोरोना महामारी ने इनकी संख्या में और भी वृद्धि कर दी है। चिंता, तनाव या डिप्रेशन, ये केवल मानसिक बीमारियां नहीं हैं बल्कि इनके द्वारा अनेक प्रकार की शारीरिक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड या फिर अन्य प्रकार की जैसे ओबेसिटी या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इनके कारण पैदा हो जाते हैं। इसलिए समय रहते हुए इन बीमारियों का निदान करवाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि समय से पहले ही इनका निदान करके इनकी चिकित्सा की जा सके। एलोपैथी चिकित्सा में इस रोग से पीड़ित व्यक्ति अनेक प्रकार की एंटीसाइकोटिक मेडिसिन या एंटी डिप्रेसेंट्स या फिर अनेक प्रकार के ट्रैंकुलाइजर्स का प्रयोग करते हैं, जो कि उनके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान तो करती ही है, साथ ही साथ उनके शारीरिक स्वास्थ्य को अनेक प्रकार के नुकसान पहुंचाती है। इसलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आयुर्वेदिक उपायों तथा आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बता रहा हूँ, जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी रोग मुक्त रख सकती हैं तथा हमारी चिंता और डिप्रेशन को अच्छी प्रकार से दूर कर सकती हैं। तो सबसे पहले है ब्राह्मी का प्रयोग। ब्राह्मी एक लोकप्रिय आयुर्वेदिक बूटी है और ये आपके समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मददगार है। यदि आप चिंता और तनाव से जूझ रहे हैं तो आप ब्राह्मी का उपयोग कर सकते हैं। ब्राह्मी आपके मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मददगार है। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मी आपकी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शांत करने और तनाव को कम करने में मददगार है। अनेक प्रकार के अध्ययनों में ये पाया गया है कि ब्राह्मी आपके मस्तिष्क को तनाव के हानिकारक प्रभावों से बचाती है, इसलिए आप तनाव और चिंता को कम करने के लिए और इससे लड़ने के लिए ब्राह्मी का नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं। दूसरा है भृंगराज का सेवन। त्वचा, बालों और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए भृंगराज को फायदेमंद माना जाता है। भृंगराज का तेल या हर्बल टी या भृंगराज का पाउडर आपको कई फायदे दे सकते हैं। भृंगराज की चाय या फिर पाउडर का सेवन आपके शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। यदि आप नियमित रूप से भृंगराज का सेवन करते हैं तो यह आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ावा देने और साथ ही साथ आपके मस्तिष्क को स्वस्थ, मजबूत बनाने में मदद करता है, जिससे ये तनाव को कम करने में भी मदद करता है। तीसरा है अश्वगंधा का प्रयोग। शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर वजन घटाने सहित अश्वगंधा के लिए असंख्य स्वास्थ्य लाभ हैं। अश्वगंधा की चाय और अश्वगंधा का पाउडर, इनका काढ़ा नियमित रूप से सेवन करने से आपको वजन घटाने, इम्यूनिटी बढ़ाने और चिंता व तनाव को दूर करने में मदद मिलती है। अश्वगंधा के नियमित सेवन से आपको सहन शक्ति को बढ़ाने, इन्फ्लामेशन को कम करने तथा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के विकारों को खत्म करने में मदद मिलती है। अश्वगंधा के अर्क में शांत और एंटी स्ट्रेस गुण पाए जाते हैं, जो कि तनाव और चिंता को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। चौथा है तुलसी का प्रयोग। तुलसी को एक पवित्र स्थान प्राप्त है और इसके साथ ही इसे आयुर्वेद में भी एक महान औषधि का दर्जा दिया गया है। तुलसी भी आपके तनाव से निपटने के लिए और चिंता को दूर करने में मदद कर सकती है। तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो कि तनाव और चिंता की वजह से होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करती है। पांचवा है घी का प्रयोग। कम ही लोग होंगे जिन्हें घी खाना पसंद ना हो। घी में आपको सेहतमंद रखने के अनेक गुण पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह आपके लिए कई स्वास्थ्य लाभों से भरपूर होता है। घी आपकी त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद होने के साथ ही साथ आपको तनाव और चिंता से लड़ने में भी मदद करता है। हल्की चिंता को शांत करने के लिए घी में उंगली डुबोने और धीरे से अपने नथुने की मालिश कर सुझाव दिया जा सकता है। घी में मौजूद गुड फैट्स और एंटी डिप्रेसेंट गुणों को शांत करने में मदद भी पाई जाती है। हालांकि यदि तनाव या चिंता की स्थिति गंभीर है तो आप किसी मनोरोग विशेषज्ञ या किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह जरूर ले सकते हैं। इन उपायों के साथ ही साथ कुछ आयुर्वेदिक उपाय जैसे कि योग, प्राणायाम, अपनी दिनचर्या को कंट्रोल करना या लाइफस्टाइल को मैनेज करना, ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए या चिंता और तनाव को कम करने के लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इन ऊपर बताए गए उपायों के साथ ही साथ आप आयुर्वेद में बताई गई शिरोधारा और नस्य चिकित्सा का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। साथ ही इन तीन बातों पर खुद को एकाग्र करें। अपने आप को असहज करने वाले भावों से दूर रखना चाहिए। चाहे तो उन्हें लिखकर रख सकते हैं कि कैसे वे आपको असहज कर रहे हैं।
दूसरा, समय पे ही सब कुछ होगा, ये बात खुद को याद दिलाते रहें। आप परेशान होते रहेंगे या फिर अपने दिन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, इस बारे में निर्णय लें। तीसरा, वह काम करें जो संतुष्टि का एहसास दिलाए। खुद में जितना यह एहसास होगा, आप उतने ही ऊर्जावान बने रहेंगे। साथ ही साथ अपनी सोच को नकारात्मक होने से बचाएं। अपने आप को रचनात्मक कार्यों में या क्रिएटिव वर्क्स में बिजी रखें और नकारात्मक लोगों में और नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों के साथ मिलना जुलना बंद कीजिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए ये समाधान और आयुर्वेदिक उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। किसी भी प्रकार के चिंता या तनाव के सिम्टम्स दिखने पर आप एक आयुर्वेदिक चिकित्सक का परामर्श लीजिए और अपनी चिकित्सा के लिए उनके पास जरूर जाइए। ये मेरा आपसे अनुरोध है। किसी भी प्रकार की अंग्रेजी दवाइयाँ या किसी भी प्रकार के नींद लाने वाली दवाइयाँ खाने से बचिए। इस प्रकार के और उपयोगी वीडियोज़ के लिए या जानकारियों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर अमित महाजन आयुर्वेदा, यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित महाजन आयुर्वेदा पर हमें लाइक और शेयर कर सकते हैं या आप हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।